दोस्तों स्पीडो मैच जो कवर करने वाले वुमेंस वर्ल्ड कप के जो कि वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं, मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ ये ना प्रैक्टिस मैच है, वार्म अप मैचेस है, तो थोड़ा सा आपको स्किल यूज़ करके खेलना पड़ेगा, ना कि इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने पहले अगर मैचेस खेले होंगे ऐसे तो आपको पता है कि कैसे टीम क्रिएट करना, अगर नहीं खेले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो कुछ सालों से खेल रहा हूँ। अभी जो मैच में कवर करो, देखो तीन मैचेस एक ही टाइम पे, वर्ल्ड कप के मैचेस सब है, ये ऑफिशियल ये वाला मैच नहीं है, लेकिन ऑफिशियल मैच 3 तारीख से है और जो ऑफिशियल है उसमें तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन बता देता हूँ ये जो मैच है वार्म अप मैचेस एक टाइम पे तीनों मैचेस, तो मैं तीनों मैचेस कवर करो, तो टेंशन मतलब तीनों मैचेस कवर करो, तो फाइन टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तीनों मैचेस की वीडियो प्रीव्यू आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइब अपने करने हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर वगैरह जरूर से करना। सबसे पहला काम कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे मैचेस कोई नहीं कवर करेगा और ऐसे मैचेस की टीम आपको पहले कोई भी आपको नहीं देगा हमसे, तो फाइन टीम के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे लोग डेली विन करते और डेली विन करते, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक 100% काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले बार लिंक पे क्लिक करना, लिंक 100% काम करता है, लिंक 100% पहले वाले लिंक पे जैसे क्लिक करोगे चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, फिर ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लोगे, जहाँ पे विनिंग टीम लाइनअप्स आपको सब कुछ पहले प्रोवाइड कर देते हैं, और ऐसी टीम जैसे वुमेन गेम देते हैं ना, कंपेयर कर लेना पूरे मार्केट में आपको कोई नहीं देगा, इतना याद रखो, वो भी फ्री में तो कभी नहीं, और इतने सालों से फ्री में कोई आज तक दिया भी नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल जू से ज्वाइन कर लीजिएगा। बस रिक्वेस्ट है कि फेक मत कीजिएगा, मेरे नाम से हज़ारों फेक चांस बने हुए, आप एक ही ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड बहुत करते हैं, मैं पहले बोल देता हूँ कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम मत करना, ये मैच थोड़ा सा अलग है। और बात करें हम लोग, ये 5th मैच है इसका, ठीक है, ये 5th मैच में कवर कर रहा हूँ और 4th मैच कवर कर चुका हूँ, 3rd मैच में कवर कर दूंगा, वो है साउथ अफ्रीका वाला है ना, कवर कर दूंगा, टेंशन ना लो, ये 4th मैच जो भी कवर करें उस पर फोकस करते। ये जो मैच है दुबई में खेला जाएगा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सारे मैचेस दुबई में खेले जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कमेंट मुझे पता है आएगा पक्का, यार सारे मैचेस दुबई में खेले जा रहे हैं एक ही टाइम पे तीनों मैचेस है, तो क्या मतलब, ये देखो ग्राउंड अलग है, जगह सेम है, सिटी सेम है, लेकिन ग्राउंड अलग अलग है। जैसे वो जो 4th मैच खेला जा रहा है इंडिया वाला, इंडिया वेस्ट इंडीज़ वुमेन का, वो मैच कहाँ पे खेला जा रहा है, ग्राउंड नंबर 2 यूज़ किया जा रहा है, और ये जो विकेट है ये मैच है दुबई में खेला जाएगा, ICC एकेडमी में खेला जाएगा, समझ गए ना, ग्राउंड अलग अलग है। उसके अलावा बात के लाइव देख सकते, स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हो, मैच वाली सेम हो लेकिन स्टार स्पोर्ट पे देख सकते हो कि टाइम पे। उसके अलावा 5th मैच है तो बता ही चुका हूँ, सबसे पहले लाइनअप्स डाल लेते, मैं आपको स्टार्टिंग में फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, हर एक वीडियो वार्निंग दूंगा कि प्लीज़ लाइनअप्स प्लेइंग 11 का वेट ना करें, इस मैच का लाइनअप्स अनाउंस होता है, पूरा स्क्वाड खेलेगी, तो गलती से भी ये मत सोचिएगा कि आप मतलब कि लाइनअप्स का प्लेइंग 11 का वेट करेंगे, प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल दे रहा हूँ, बस लाइनअप्स आएगा उस हिसाब से अपने टीम क्रिएट करना है, अपना स्किल यूज़ करना है, टीम क्रिएट करना, मैं क्रिएट करके दे दूंगा, छोड़ो पहले फिर भी एक बार प्लेइंग 11 पे नज़र मार लेते, जो प्लेइंग 11 ये प्लेइंग 11 बस मैं अपने तरफ से लिखा हूँ कि यार ये 11 प्लेयर्स मतलब कि खिलाड़ी जो ज़्यादा मौका मिलेगा इन लोग को, बस ये 11 प्लेयर्स है, पूरे स्क्वाड ही खेलेंगे लेकिन 11 प्लेयर्स आपके लिए अच्छे है। बीट मुनी शायद ओपनिंग करेगी, एलिसा हेलिसा ये सब मेरा मानना है, थालिया मेगरेट वंडा बैटिंग करेगी, गेशेस फोना पे प्लेयर टीम दस ग्रेसेस फोर ना बैटिंग में क्यों लिखा हूँ आपको आगे बता दूंगा, पोविलिचफील्ड 5th बैटिंग क्यों लियो जबकि ऊपर रहे आपको आगे बता दूंगा। उसके अलावा एलिश पेरी जो कि वर्ना बैटिंग करती है आगे आपको बता दूंगा क्यों मिले लिख रखा ऑफ सिग्नल पे, एशले गार्डनर जो कि कन्फर्म है बैटिंग तो पता आए ना आए लेकिन बॉलिंग 4 ओवर कन्फर्म है, जॉर्जिया वोरम नए नए प्लेयर्स को ज़्यादा मौका है, हालांकि सब नए प्लेयर्स नहीं है बहुत दिन बाद खेल रहे हैं, नए प्लेयर्स हमें साल 2018-19 में सबको पिक करता था। उसके लिए सोफिया मलिक यूज़ है, मेगन स्क्वाड है, अलाना किंग, आप देखोगे तो काफ़ी मैंने नए प्लेयर्स इसमें ऐड किया, क्यों, क्योंकि जो प्लेयर्स ऐसे मैचेस उन्हीं प्लेयर्स को मौका मिलता है जो कि बहुत दिन बाद खेलते हैं, जैसे कि सोफिया मलिक यूज़ का देखोगे तो बहुत दिन बाद में देख रहा हूँ, जॉर्जिया वोरम भी बहुत दिन बाद खेले, पैरी वगैरह तो खेलती रहती है, पोविलिचफील्ड ये तो खेल ही रहे लगातार, गेसेस काफ़ी दिन बाद खेले, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे क्योंकि वरना बैटिंग कोर करेंगे ये भी कन्फर्म नहीं है, और ओपनिंग कौन किसके साथ करेगी भी नहीं, एक चीज़ कन्फर्म है कि एलिसा हेली कन्फर्म ओपनिंग करेगी, बीट मुनी के साथ ओपन कर ले नहीं तो पोविलिचफील्ड है इनके पास, ये पहला चेंज। दूसरा वरना बैटिंग के लिए थालिया भी है पैरी भी है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, अपडेट आपको टेलिया पे करो, प्रैक्टिस मैच है तो प्रैक्टिस की तरह ही खेले। इंग्लैंड की बात करें, एमिन जोन्स जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, हैदर नाइट जो कि हर कोई पता है कैप्टन है, डेनिल वार्ड जो कि ओपनर है, सोफिया डंकली ओपनर है, टीम द सेम फॉर्म प्लेयर भी तो कहना गलत हो जाएगा, हर इनफॉर्म प्लेयर ही सोफिया डंकली ज़्यादातर मैचेस जल्दी जाती है और थोड़ा सा स्लो खेलना पसंद करती है, बाउचर एक बहुत ज़बरदस्त इनफॉर्म और कंस्टेंट प्लेयर टीम से, मतलब क्या ही बोलने के बारे में, नेट शेवर जो कि टीम से नटली शेवर जो कैसे प्लेयर है भाई, इनको कौन कैप्टन नहीं करेगा भाई, ये इनफॉर्म प्लेयर को कौन ही ट्राई करेगा कैप्टन, एलिशा कैप्शी उसके अलावा एलिका कैप्शी जो कि टीम से 18 साल के लगती है 34 साल के, मतलब जबरदस्त प्लेयर का कैप्सी, कुछ साल पहले देखता था इतना कम, मतलब कि छोटा सा चीज़ में पर्सनल नहीं जाता, अलीका कैप्सी जबरदस्त प्लेयर टीम से बैटिंग बोली दोनों को आती है और क्या पता वरना बैटिंग भी मिल जाए। उसके अलावा डेनिन गिब्सन है, सोफिया एलिस्टोन है, लॉरेन बेल जो कि आजकल तो बहुत लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इनका रील यार,
क्रिकेट किस लिए देखते हो? लॉरेन बेल का रील लगा देते हैं लोग, उसके अलावा फ्रैक कैम जो कि अच्छी बॉलिंग करे, आजकल बैटिंग भी करना था फ्रैक कैम को, तो लॉरेन बेल का लेके अलग ही चल रहा है पहले रील पे। तो ठीक है इंग्लैंड वुमेन का लाइनअप्स। अगर हम बात करें तो ये तो थर्ड मैच का है जो कि न्यूजीलैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन का है। छोड़ो अब फटाफट से लाइन से तो टीम क्रिएट करता है कुछ नहीं, बोले स्टार्ट्स तो स्टार्ट्स देखना बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मैच है, हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा जैसे आप स्टार्ट्स देखोगे, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगी। प्रैक्टिस हो रहा है भाई, आप वहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ लेके क्या आ जाओगे? प्रैक्टिस है ये। बाकी जो अपडेट्स हैं टेली पे शेयर कर दूंगा, लाइनअप्स पर टेंशन मत लेना, इस मैच की कहीं भी लाइनअप्स अनाउंस नहीं होते बट टेली पे आपको मिल जाएगा, तो टेंशन फ्री रहना, टेली पे एक्टिव रहना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, लेकिन वही लोग ज्वाइन करना अदरवाइज पक्का लॉस होगा। वही लोग ज्वाइन करना जो यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ वही लोग ज्वाइन करना जो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं। 1 लाख सब्सक्राइब करने तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, बेल आइकॉन कॉल पर सेट करना, ठीक है? 1 लाख सब्सक्राइब थोड़ा जल्दी करना। अभी मैं फटाफट से इसकी वीडियो जाके देख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो ऐसे मैचेस में ग्रैली वगैरह खेलो, ये नहीं बोले स्मॉल ही खेलो, ग्रैली खेलो तब आके। प्लीज़ देखो बोलना अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक करें जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ लाइक कर देना, आपसे पैसे ही मांग रहा हूँ। एक छोटा सा लाइक का बटन होगा, जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बिल्कुल सर्च आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बात कर विकेट कीपर से, मैं सिंपल साइड जो टीम में क्रिएट करता हूँ थोड़ा सा अलग है, ऑफिशियल विकेट यूज़ किया जा रहा था दुबई का, देख रहे हो वो ग्राउंड नंबर 2 था बट ये जबरदस्त है ये वाला मैच। ये जो मैच खेला जाएगा विकेट कीपर सेशन, पहली बात तो प्रैक्टिस मैच है, ये भी अपने को माइंड में रख के चलना है कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। 15-15 प्लेयर्स खेलेंगे पूरे लाइनअप्स के, मतलब पूरा स्क्वाड ही खेलेंगे, तो उस हिसाब से अपनी टीम को क्रिएट करना है। एलिसा एलिस आ जाते हैं, बेट मुनी भी एक बेहतरीन पिक है, इनफॉर्म प्लेयर। एलिसा एली को ड्रॉप करना भी बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि सेंचुरी मार देती है बंदी, ठीक ना? एलिसा एली को ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब ड्रॉप करता होता तो सेंचुरी का ही डर रहता है मुझे, और मार भी देती है, पिक करता तो कन्फर्म मुझे पता रहता है कि 0 रन कन्फर्म है। ये तो ये अलग बात है, वेस को तो पक्का मतलब पिक ही मत करना, खेलेगी भी फिर भी, हालांकि अच्छी प्लेयर वेस है बट एमी जोन्स, ये 3 आपके लिए अच्छी पिक्स है। बीट पुनी को ट्राई कर सकते हो, सेकेंड अच्छी ऑप्शन है। एलिस पैरी सबकी क्रश है भाई, ये सालों से क्रश है, मतलब इस फील्ड में इसीलिए आया था, जबरदस्त प्लेयर टीम दस से पिक करके चलो, एक अच्छी बेहतरीन पिक हो सकती है। डेन वाट एक अच्छी पिक है टीम दस से, हालांकि उतना टच में नहीं रहती है, हैदर नाइट उससे ज़्यादा फॉर्म प्लेयर थे, हैदर नाइट के साथ जा रहा हूँ। थालिया को पिक कर सकते हो कि बॉलिंग भी करके देगी और बैटिंग पता नहीं, वंडर बैटिंग करेगी नहीं करेगी कुछ कन्फर्म नहीं है। देखो ग्रैली वालों को जबरदस्त मैच है भाई, वाउचर इन सबको ट्राई नहीं, ग्रैली के लिए कितना इंटरेस्टिंग मैच है ना, पोविलिशी फील्ड को ट्राई, गिरसेस को ट्राई नहीं करे, वाउचर को, टंगली को ट्राई नहीं करे भाई, वाउचर इतने फॉर्म प्लेयर है इनकी जगह पर डेन वाट के साथ जा रहे, जो कि कुछ नहीं करती आती है, फॉर्म में है ही नहीं, कुछ सालों से फॉर्म इनके ख़राब है। ये दो प्लेयर्स का है ना, सूजी वार्ड और डेनियल वार्ड, मुझे साल 2018 में दोनों तो मुझे सेम ही लगते, क्योंकि उस समय ये दोनों ही बॉलिंग करते थे। आप साल 2018 में अगर खेले होंगे 19 में तो आपको चीज पता होगा कि दोनों ही चाचा रो बॉलिंग करते थे, सूजी वार्ड्स और डेनियल वार्ड, और दोनों बॉलिंग करते। अब सूजी वार्ड्स तो बॉलिंग कर भी ले रही है, डेनियल वार्ड्स तो बॉलिंग छूती भी नहीं है, अब करती ही नहीं है, अब कुछ महीने पहले देखा था की थी लेकिन अब उतना पहले नहीं, रेगुलर पहले करती थी। हैदर नाइट इनफॉर्म इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि इनफॉर्म प्लेयर है वो। अगर मुझसे पूछोगे ना, अगर थर्ड ट्राई करना तो गेर से एक अच्छी पिक हो सकती है, परसी बता रहा हूँ। मैं अभी के लिए डेन वाट को पिक नहीं करना चाहूँगा, थालिया मेघराज को पिक कर लूँगा, लेकिन दो ही अभी क्लीन अप है, मैं अपना लॉस के लिए टीम क्रिएट कर रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, एनएम स्टूडेंट देखो अवेलेबल तो होगी बंदी, पता नहीं कितने ओवर बॉलिंग करेगी, तो आप चाहते हैं एनएम स्टूडेंट को पिक कर सकते, लेकिन रिसेंटली मैच खेल करें तो शायद ज़्यादा मौका ना मिले। एलिका कैप्सी 18 साल की कोड मतलब कहेगी लगती है भाई, जबरदस्त प्लेयर है। फ्रैक एम जो कि अवेलेबल है, ट्रेंडिंग की उनको सबसे पहले पिक कर, हाँ लॉरेन बेल पिक कर लो भाई, इसका रील देख देख के मैं थक चुका हूँ, मतलब अलग ही लेवल का इनका फिगर है, पिक करके चलो कि इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, क्योंकि बहुत रील आता है इनका। चार्ली डेन भी एक जबरदस्त पिक है, सब चार्ली डेन का नहीं नाम लिखा हो लेकिन वो भी अवेलेबल है भाई, सब खेलेगी। टेला वेलमेनिक को भी मौका मिलता है ऐसे मैचेस में, उसके लिए के प्राउंड विकेट अच्छी प्लेट इधर से, टैश बोर्ड एक अच्छी पिक, हालांकि किंग अच्छी बॉलिंग करती है, तो सिलेक्शन बहुत चीज़ का कम है, उसको पिक कर चला, हालांकि बॉलिंग अच्छी करती है पिक कर लो। उस सोफे लिस्टॉन, मेगन स्टोन, सोफे मनी की उस पिक करके चलो। तो ओवरऑल देखो टीम मेरी बन गई है, और जैसे टीम बनी है ना प्रैक्टिस मैच के हिसाब से मैं टीम क्रिएट किया हूँ, उन्हें ये सब प्लेस को मौका मिलेगा। लॉरेन बेल को पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लगातार मैचेस भी तो खेली है, लेकिन टीम परफेक्ट है। मैं फालतू का थालिया वगैरह के साथ नहीं हो, तो आप थालिया मेघराज के साथ जा सकते हो, बॉलिंग करके आपको दे सकती है, पता नहीं कितना और गरीब बट दे सकती है। अगर वंडा बैटिंग है तो पिक कर लेना, मुझे तो वंडा बैटिंग मिलेगा क्योंकि पैरी है आज, देखेंगे सारा के लिए। चार्ली डेन ही सभी जबरदस्त, मैंने स्कोट एक्सपीरियंस लेके फिर भी मोलिक्यूस अलग ही लेवल के प्लेयर है, मतलब कि गेम चेंजर रहती है हमेशा जब विकेट लेते हैं। अलाना किंग बहुत बहुत साल बाद खेल रही है, अभी बहुत दिन बाद खेल रही है अलाना किंग, इसलिए मैं पिक किया, और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं अलाना किंग क्वालिटी स्पिन, और दुबई के विकेट पर स्पिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आप देखो तो ज़्यादा मैंने स्पिनर्स ही ट्राई किए। आप लॉरेन बेल की जब भी ना सारा ग्लेन को भी ट्राई कर सकते हो, उससे आपको एक स्पिनर आपको मिल जाएगा,
ठीक ना। बट लॉरेन ब्लेक है कि ट्रेंडिंग क्यों ने बहुत थक गया पिक कर, मतलब पिक कर चलो बहुत देख लिया इनकी लीड। कैप्टन से बात करें तो मैं एज ए कैप्टन नेट सीवर सबसे बेस्ट है, स्टार्टिंग में बोल दिया था। वाइस कैप्टन चाहो तो अपने क्रश पैरी के साथ जा सकते हो, अली का कैप्सी के साथ जा सकते हो, या फिर एशले गार्ड में जो कि कन्फर्म है 4 ओवर। लेकिन उसके अलावा आपके पास ऑप्शन सोफेल स्टोन भी है, लेकिन मेरे साइड से नहीं यार, मेरे साइड से मेरी क्रश ही अच्छी लगती है जो एलिस पैरी है। अपना सी बी सी प्रैक्टिस मैच ही और अच्छी खासी बॉलिंग का एक्सपीरियंस बन दी है, पता नहीं क्यों, लेकिन कर सकते हो। गार्डन के साथ ही जाते हो, बॉलिंग कन्फर्म 4 ओवर इनका कन्फर्म है। 4 ओवर मत सुना कि इनका कन्फर्म है, इनका 4 ओवर कन्फर्म है, आप देख लेना, इनका 4 ओवर कन्फर्म है गार्डनर का। लेकिन आप चाहो ना प्लीज़ ऐसे मैच से स्मॉलिंग ना खेलो, ये स्मॉलिंग टीम भली हो, आप ग्रैली में पैसा दबा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रैली बहुत इजीली क्रैक होती है ऐसे मैचेस में। चलो कुछ ग्रैली के आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, पिक्स बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, पिक्स बता देता हूँ जो ग्रैली में लोग ट्राई नहीं कर, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से बीट मुनी, यहाँ से थालिया, पोवे, क्रिसहेश, वाउचर, सोफे, डंकली, ये जो 5 बैटर है ना, लिटरली इन लोगों को ट्राई नहीं, बट ये बहुत बेहतरीन पिक्स है। ये तो बॉलिंग भी करती है जबरदस्त, प्लेटिंग थालिया और ग्रेसेस, ये लोग बहुत दिन बाद भी खेले, ग्रेसेस तो बहुत दिन बाद इनको मौका मिल सकता है बैटिंग से, बता रहा हूँ प्लेस को जिसको लोग ट्राई नहीं कर रहे। फ्रैक कैम वैसे यहाँ पे तो कोई खास पिक्स नहीं है, एनाबे सोटल, बट ये सब कोई खास पिक्स नहीं, मैं बताता हूँ वो प्लेयर जो ग्रेस की है। लॉरेन बेल ब्राउन से अच्छा लाना की होगी, ब्राउन में भी हो सकती है, बट ये जो 9 प्लेयर्स है ना, लिटरली 9 प्लेयर्स को कोई ट्राई नहीं किया। प्लीज़ ही 9 प्लेयर्स को ग्रैली स्क्रीनशॉट ले लो, इनको रोटेशन करना अपने ग्रैली पिक्स को, क्योंकि ना प्रैक्टिस मैच के हिसाब से ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, जिसमें वाउचर इनफॉर्म प्लेयर हो कितने हुए भी ड्रॉप कर ले लो, आप पिक करके चलिएगा। ये जो 9 प्लेयर्स है ना, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्स है, पॉवेलिच फील्ड वगैरह सबको ट्राई करके चलिएगा। ये 9 प्लेयर्स को लोग ट्राई नहीं कर रहे, आप ट्राई कीजिए, ये गेम चेंजर हो सकते हैं, समझ गए ना। अभी के लिए ये स्मॉल ही टीम है, सेम टू कॉन्टेस्ट बुक कर सकते हो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइब अपने को थोड़ा सा जल्दी करना है, तो चैनल सब्सक्राइब जो से करके रख लीजिएगा, देखते कितना जल्दी 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट करते। और टेंशन ना लो, 3 तारीख से अलग ही फॉर्म में रहेंगे, विनिंग वगैरह होती रहेगी, आप सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हर एक मैच हम लोग कवर करेंगे, फेस कैम वीडियो भी शूट कर रहे हैं 3 तारीख से, तो सब्सक्राइब जो से करके रख लेना। बाकी जो अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम पे यूज़ से मिल जाए, तो टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, ज्वाइन यूज़ कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर सेट कर देना।